हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैटर्न है। ये पैटर्न मैक्सिमम टाइम ट्रेडिंग में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करवाएगा। दोस्तों, इस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न, इन दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। अगर ट्रेडिंग में अप ट्रेंड चल रहा हो तो कप एंड हैंडल पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का काम करता है, और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के रूप में काम करता है। दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न मुख्य रूप से तीन पार्ट से बनता है, नंबर 1 कप, नंबर 2 हैंडल एंड नंबर 3 नेकलाइन। इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर कप एंड हैंडल पैटर्न तैयार होता है। दोस्तों, जब प्राइस एक रेंज में ट्रेड करते हुए बेयरिश करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करती है और बाद में फिर से एक बार बुलिश रिवर्सल लेकर ऊपर की तरफ नेकलाइन तक पहुंचती है, तो इस तरह के प्राइस मूवमेंट के कारण चार्ट पर आपको एक राउंड बॉटम शेप बनते हुए दिखाई देगा। इस पैटर्न के बॉटम की तरफ प्राइस एक रेंज में कम वॉलेटाइल होती है, जिससे एक कंसोलिडेशन जोन बनता है, और कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट के बाद बायर फिर से मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर की नेकलाइन तक ले जाते हैं। नाउ प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को टच करते हुए नीचे की तरफ एक टाइट रेंज में आगे बढ़ती है। यहाँ सेलर्स प्राइस को और अधिक नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स की संख्या कम होने के कारण वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, एक पॉइंट के बाद फिर से बायर्स मार्केट में अपना इंटरेस्ट दिखाकर बाइंग स्टार्ट करके प्राइस को ऊपर नेकलाइन की तरफ ले जाते हैं। नेकलाइन एरिया में अगर सेलर्स की संख्या अधिक हुई तो ये बाइंग मोमेंटम कभी कंटिन्यू नहीं होगा और मार्केट नेकलाइन से रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए कप एंड हैंडल पैटर्न को फेल कर देगा। नेकलाइन से आने वाला रिजेक्शन अगर कप की हाइट से 50% से अधिक हुआ तो मार्केट में बाइंग मोमेंट को फिर से कंटिन्यू करने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, इस पैटर्न में कप के आकार से हैंडल का आकार हमेशा छोटा होना चाहिए। हैंडल की जगह एक टाइट कंसोलिडेशन होना चाहिए और यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट होनी चाहिए, जिससे यहाँ फ्लैग एंड पोल और ट्रायंगल पैटर्न जैसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, जिससे मार्केट में बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिलता है। दोस्तों, नेकलाइन के ब्रेकआउट पर आप लॉन्ग ट्रेड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। नाउ कप एंड हैंडल पैटर्न में ट्रेड एंट्री कैसे करनी है, ये जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही प्राइस नेकलाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलती है तब आप एग्रेसिव ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड एंट्री होगी, क्योंकि अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स होकर नीचे ब्रेक डाउन देती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मगर दूसरे तरीके में अगर आप नेकलाइन ब्रेकआउट करने वाली कैंडल के ऊपर की तरफ क्लोजिंग के बाद ट्रेड एंट्री करते हैं तो ये एक सुरक्षित एंट्री मानी जाएगी। नाउ इस पैटर्न में स्टॉप लॉस सेट करने का तरीका जानते हैं। दोस्तों, आपको अपना स्टॉप लॉस चार्ट पर ऐसी जगह सेट करना चाहिए कि वहां तक अगर प्राइस पहुंच गई तो आपका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाए। कप एंड हैंडल पैटर्न में अगर प्राइस कप के हाइट से 50% से भी अधिक नीचे आ जाए तो आपका ये सेटअप फेल हो जाता है। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस कप की हाइट से 50% के आसपास होना चाहिए, तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाने की संभावना कम हो जाती है। नाउ कप एंड हैंडल पैटर्न में प्रॉफिट टारगेट क्या रखें? दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न में प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए आप कप के बॉटम और नेकलाइन के बीच का अंतर नापते हुए अपनी एंट्री पॉइंट से ऊपर की तरफ उतने ही अंतर पर आप अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में चल रहे बड़े ट्रेंड का फायदा उठाना है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट और बड़ा बन जाएगा। तो दोस्तों, ये था कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, जिसका यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तब तक YouTube आपको हमारे वीडियोस दोबारा दिखाएगा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी वीडियो आ गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप भी घर बैठे शेयर बाय करना और सेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंडिया के बेस्ट डीमैट ब्रोकर्स का लिंक दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।
जय भारत।